हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिपोर्ट स्मार्ट शाला चैनल। कैसे हैं आप सब और गर्मी की छुट्टियां कैसे जा रही हैं आप सभी की? गर्मी में सभी बचे हुए होंगे ये मैं उम्मीद करती हूँ, और थोड़ी सी छुट्टियां बची हुई हैं, अच्छे से इन्जॉय करें। और इसी के बीच में ना अभी हमारे पास एक लेटर जारी हुआ है। ये लेटर मेरे पास भिवानी डिस्ट्रिक्ट का आया था, लेकिन ये सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए आएगा। तो ये वीडियो है, और वीडियो के बारे में क्या है कि ये जो लेटर इशू हुआ है वो है जो प्राइमरी स्कूल के जो हमारे बच्चे हैं उनका आईडी कार्ड बनेगा, यानी कि स्टूडेंट आईडेंटिफिकेशन कार्ड बनेगा। अब उसके लिए सभी स्कूलों से डाटा मांगा जा रहा है, और डाटा जो है वो किस फॉर्मेट में देना है, कैसे देना है, इस बारे में ये वीडियो बनाई गई है, ताकि जब आप बच्चों का डाटा कलेक्ट करेंगे तो उसको कैसे आप हैंडओवर करोगे ब्लॉक लेवल पे, वो जो परेशानी आपको आएगी उसका समाधान करने के लिए, छोटी सी आप लोगों की हेल्प करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। हाँ जी, तो ये जो भिवानी की तरफ से DEEO की तरफ से जो लेटर जारी हुआ है उसमें क्या कहा गया एक बार वो देख लेते, क्योंकि लेटर लगभग सेम जारी होंगे और लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज हो सकती है। तो उन्होंने ये कहा है कि प्राइमरी स्कूल के सभी विद्यार्थियों का आईडी कार्ड बनवाए जाने हैं, इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी की फ़ोटो और संबंधित डाटा संकलित किया जाना है। आपको निर्देश दिए जाते हैं कि 23 जून तक ये मंगवाना सुनिश्चित करें, और फ़ोटो और जो डाटा है उसको जो फॉर्मेट उन्होंने दिया है उसके अकॉर्डिंग वो डाटा दिया जाए, और जो आपका लेटर डाटा दिया जाएंगे इनके बच्चे के नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जो कैपिटल लेटर के अंदर आपको भरना है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने मांगी है, यानी कि आप आईडी कार्ड जो बनवाएंगे बच्चे का तो उसके लिए आपको बच्चे की फ़ोटो चाहिएगी, उसका कंप्लीट डाटा चाहिएगा, उसका SRN, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल फ़ोन नंबर, उसके पेरेंट्स का नाम, उसकी मदर का नाम, उसका आधार नंबर, ये सब चीज़ें बच्चे की चाहिएंगी। तो आप प्लीज़ सभी डिस्ट्रिक्ट से, मैं ये कह रही हूँ यानी पूरे स्टेट के टीचर से ये कह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग ये डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए बच्चों का। अगर आप वैसे तो एडमिशन फॉर्म के जब हम फिल करते हैं तो हमारे पास सारा डाटा होता है, अगर इनकेस नहीं है तो प्लीज़ वो अपडेट करा लीजिए, और बच्चे की अगर पुरानी फ़ोटो है तो कोई लेटेस्ट फ़ोटो ले, ताकि बच्चे की शक्ल मैच होती रहे, तो उस चीज़ के लिए एक लेटेस्ट डाटा ले ले। अब बात करते हैं कि अब ये डाटा जब आप दोगे अपनी क्लास का, अपने स्कूल हेड को, और स्कूल हेड जब देगा पूरे स्कूल का डाटा, तो वो किस फॉर्मेट में देगा? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में जो मांगा गया है उन्होंने वो डाटा बच्चे की फ़ोटो के साथ मांगा है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे मांगा है। तो उन्होंने कुछ इस फॉर्मेट में मांगा है कि बच्चे का फ़ोटो में फेस साफ दिखे, सामने से फ्रंट से दिखे, दूसरा उसके नीचे फ़ोटो के नीचे उसका SRN नंबर लिखाओ। SRN नंबर लिखने का तरीका देखिए, ये दिखा रखा उन्होंने, आप SRN लिखो, SRN फिर आगे उसका नंबर लिखो, या फिर नंबर लिख के फिर SRN लिखो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको फ़ोटो लेना है और फ़ोटो के ऊपर ही आपको उसका SRN नंबर लिखना है, फ़ोटो के अलावा कुछ अलग नहीं लिखना है आपने। दूसरा नीचे दिखा रखा ना, कोई बच्चे का लेफ्ट फेस साइड दिख रही है, राइट दिख रही है कहीं से कुछ, ऐसा कुछ नहीं लेना है। बच्चे का एक सिंसियर सा फ़ोटो हो जो सीधा फ्रंट उसका फेस नज़र आ रहा हो, तो ऐसा होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि फ़ोटो JPG में होनी चाहिए, JPG एक फाइल का फॉर्मेट होता है फ़ोटो का, उसमें होनी चाहिए, PDF या किसी और फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए। और जितनी भी फ़ोटोज़ आपकी क्लास की हैं, ये बच्चे जितने हैं उनकी फ़ोटो है, और आपके स्कूल के जितनी फ़ोटो हैं उन सबका आपने क्या करना है, एक ZIP फाइल बना के देनी है। उस ZIP फाइल पर स्कूल का नाम होगा और डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, ब्लॉक का नाम होगा। अब बात ये आती है कि हमें ये नहीं पता कि हम ऐसे कैसे करेंगे, फ़ोटो को गैलरी में जाके कैसे उसके ऊपर डेट लिखेंगे, और दूसरा इसको ZIP फाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि ये चीज़ें कैसे की जानी हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन की WhatsApp पे जाएंगे, WhatsApp पे जाने के बाद वहाँ से जो फ़ोटो बच्चे की आई होंगी ना, आप उनको ओपन करके सेव कर लेंगे अपनी गैलरी में। अपने फ़ोन की गैलरी में आने के बाद जहाँ पर वो फ़ोटो सेव है वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। अब जहाँ पर फ़ोटो सेव है वहाँ से अब क्या करना है आपको, मैं एक फ़ोटो करके दिखा रही हूँ कैसे कैसे काम करना है। मान लीजिए मेरे पास ये फ़ोटो है, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर बच्चे का SRN नंबर लिखना है, तो मैं क्या करूँगी, मेरी फ़ोन की स्क्रीन है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको नीचे की तरफ आइकन दिखाई देंगे, शेयर का है, डिलीट का है, उसके ऊपर स्टार लगाने का है, और एक पेंसिल जैसा आइकन होगा। उस पेंसिल जैसे आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे और ऑप्शन आते हैं, ऑटो, क्रोप, फिल्टर, एडजस्ट, डूडल्स, इरेजर, स्टिकर, फ्रेम, ठीक है। ऐसे आप जब उनको स्लाइड करोगे ना तो आपको एक वहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट का डूडल है, मेरे फ़ोन में डूडल है, उसके बाद टेक्स्ट है, TEXT लिख के आया होगा। आपका जो फ़ोन है उसके अकॉर्डिंग आपके फीचर्स होंगे, तो वहाँ पे टेक्स्ट आएगा, तो आपको टेक्स्ट वाला सिलेक्ट करना है। अब टेक्स्ट के बाद एंटर टेक्स्ट आएगा, आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। अब बच्चे का जो SRN नंबर है ना आप वो लिख देंगे, मान लो 2346 में एक बच्चे का SRN नंबर लिख रही हूँ। अब इसको जिस कलर में लिखना है, मान लो मैं इस पर ब्लैक करके छोड़ रही हूँ लेकिन मेरी स्क्रीन पर ये दिख नहीं रहा, तो मान लो मैं येलो करके छोड़ दूँ, कुछ ऐसा कलर आपको लेना है जिससे आपकी स्क्रीन पर दिख जाए। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करना है ना, अब आपको दिख रहा होगा नीचे एरो दिख रहा है, इसको पकड़ के खींच लीजिए, छोटा करना है तो उसको छोटा कर दीजिए। अब ये क्या करना है आपको, बिल्कुल जो फोटो है ना उसके नीचे लिख दीजिएगा, बच्चे के मुंह पे ना आए वो उसकी फोटो के नीचे आए, ऐसी जगह पे उसको लिख आपको सेट कर देना है। और उसके बाद नीचे दो एरो आ रहे हैं, एक काटने का और ये
राइट क्लिक का, तो राइट क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। किसी किसी के फ़ोन में ऊपर लिखा आ जाएगा सेव का, तो आप उस सेव वाले बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे में नीचे राइट क्लिक आ रहा है तो मैं इसको राइट क्लिक पे कर देती हूँ, ठीक है। अब ये ऐसा आ गया, अब ऊपर देखिए, उसके बाद मेरा दोबारा से सेव आ रहा है तो मैं इस पर सेव कर दूँगी। हाँ जी, जिस जिस फोटो पे हमने एसआर नंबर दिया था वो गैलरी के अंदर सेव हो गई है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको आप जाना है अपने प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर पे जाके आपको क्या लिखना है, आपको एक ऐप का नाम लिखना है DOC डॉक स्कैनर, ठीक है। इसका मतलब है डॉक्यूमेंट स्कैनर, ठीक है। DOC स्कैनर सर्च करेंगे तो उसके बाद देखो नीचे की तरफ डॉक DOC स्कैनर लिखा रहा है ब्राउन और ग्रीन कलर में, ठीक है। आप ऊपर वाला नहीं नीचे वाला करना है, इसके बाद ओपन कर लेना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको वो फ़ोटोज़ सिलेक्ट करनी है जो भी आपकी फ़ोटोज़ थी, 1, 2, 3, ये 3 फ़ोटोज़ थी, ठीक है। जितनी भी फ़ोटो आप उतनी सिलेक्ट कर सकते हो, सबके ऊपर देखो राइट क्लिक आ जाएगा जो जो आपको सिलेक्ट किया। अगर मान लो कोई हटानी है तो आप उसके ऊपर दोबारा से प्रेस करेंगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। अब आपको तीनों सिलेक्ट करने के बाद डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो ब्लू पट्टी आ रही है ना, ये पूरे के ऊपर आनी चाहिए, जहाँ जो जो स्क्रीन आपको इतना हिस्सा चाहिए ना वो। अब जैसे इस फोटो में आधी पे आ रही है तो आप नीचे क्या करेंगे, नीचे क्रॉप फ्री का ऑप्शन आ रहा है, एक क्लोज का एक क्रॉप फ्री का, तो आप क्रॉप फ्री पे कर देंगे। इसके अंदर ये पूरा का पूरा फ्रेम आ जाएगा तो पूरी फोटो दिखेगी आपको, ठीक है। जैसे अब इसमें छोटे में आ रहा है तो आप ऐसे ही क्रॉप फ्री करेंगे तो पूरी फोटो दिखेगी उस बच्चे की, जितना हिस्सा हमें लेना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, नीचे की तरफ आइकन है, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसका कलर चेंज हो गया है, हमें जैसी फ़ोटो थी वैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, नीचे एक क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, एक कलर का ऑप्शन आ रहा है, आप कलर पे क्लिक करेंगे। कलर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है ओरिजिनल का, आप ओरिजिनल पे क्लिक करें, ठीक है जी। अब आपको सारी फ़ोटोज़ को चेंज करना है, यानी कि ओरिजिनल करना है, तो नीचे आ रहा है अप्लाई टू ऑल पेजेस, तो आप इस पर क्लिक कर देना, अब आपकी सारी फ़ोटो ओरिजिनल में आ जाएंगी, ठीक है जी। अब इसके बाद आपका नीचे एक ग्रीन बॉक्स में टिक आ रहा है, आप इसके ऊपर टिक करेंगे, लेकिन इसको टिक करने से पहले अपनी फ़ाइल का नाम दे दो, अपनी फ़ाइल का नाम दे दो। मान लो जी मेरे को क्लास 2 की फ़ाइल है ये, ठीक है, क्लास 2, ओके। अब इसको आप ग्रीन टिक पर क्लिक कर दो, हो गया। अब आपको क्या करना है, अभी फाइल जो मेरे पास आई है ना, अब आपको इसके ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, फाइल के नीचे 3 डॉट है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है, किस फॉर्म में, JPG फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, PDF या JPG पे क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, नीचे शेयर का ऑप्शन है, सेव का, तो आप इसे पहले सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब आप सेव करेंगे ना, तब आपके पास क्या क्या स्क्रीन पे आ रहा है, सेव एज PDF या JPG, तो आपको JPG सिलेक्ट करना है एक, तो ठीक है। अब कहता है क्रिएट जिप फाइल, क्रिएट लॉन्ग इमेज, तो आपको जिप फाइल पे क्लिक करना है, तो क्रिएट जिप फाइल पे आप इसको अनेबल कर दीजिएगा, ब्लू कलर में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि साइज़ कंप्रेस नाउ। अगर आपसे आपके ब्लॉक वाले कहें कि जिप की फाइल का साइज़ 100 KB होना चाहिए, 150 KB होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ बोले तो आप कंप्रेस नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसके साइज़ को कम कर देंगे, ठीक है जी। अगर कुछ नहीं कहते तो ऐसे कैसे भेज देंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको वापस से वहीं जाएंगे और अब आपको उसको क्या करना है, सेव करना है। तो सेव दो तरीके से है, एक तो इंटरनल या फिर माई डॉक्यूमेंट में, तो आप इसको इंटरनली सेव कर लीजिए अपने फ़ोन में, सेव कर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए अब मेरे को कहीं सेव करना है, तो मैं कोई नया फोल्डर बनाना चाहती हूँ, तो देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर देख के यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा होगा, ऊपर इस पर क्लिक करेगा, फोल्डर का नाम दे दो जी क्लास 2, जैसा भी आपका फोल्डर है, ओके कर दो और यूज़ दिस फोल्डर, इसको अलाउ कर दो, ठीक है। अब ये फाइल वहाँ पर जाके सेव होगी है जिप फाइल के अंदर, ठीक है। अब आपको देखनी है कि मेरी फ़ाइल कहाँ पर सेव है और जिप फाइल में, तो अब आप क्या करेंगे, अपने फ़ोन में जाएंगे और उनकी जितनी ऐप है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पर फाइल मैनेजर है, फाइल मैनेजर में जाइए, ठीक है। अब फाइल मैनेजर में जाते ही आपकी ऐप दिख जाएगी, class2.zip, यही वो फाइल है, ठीक है। अब आपको उसको भेजना है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर उंगली दबा के रखेंगे तो देखो ये साइड में आइकन आ रहा है, तो ये टिक हो जाएगा ब्लू। अब आप इसको भेजना है तो नीचे ऑप्शन आता है सेंड का, सेंड पे क्लिक किया, उसके बाद जो भी व्हाट्सएप पे भेजना है व्हाट्सएप पे भेज दो, जिसके पास ही भेजना हो आप उसको वहाँ पर भेज दीजिएगा। इस तरीके से आप इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसी के साथ में एक्सेल शीट में डाटा मांगा जा रहा है, तो एक्सेल शीट में जो डाटा मांगा जा रहा है मैं वो बता देती हूँ। इसमें बच्चे का नाम है, उसकी क्लास सेक्शन है, उसका SRN नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम मांगा गया है, ठीक है जी, मदर नेम मांगा गया है, स्कूल का नाम मांगा गया है और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट मांगे गए हैं, ठीक है जी। ये एक्सेल फाइल मैं इस वीडियो के लिंक में भी डाल दूँगी, आप इसमें भर लीजिएगा, ठीक है। और
जिनके ब्लॉक में अपनी प्रोवाइड करें तो वो अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा, ठीक है जी। भिवानी डिस्ट्रिक्ट का था, मेरे पास यही लेटर था तो मैंने इसके अकॉर्डिंग बना दिया। आई होप अब आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा कि जिप फाइल को कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। हाँ जी, तो उम्मीद करती हूँ कि सभी को समझ में आ गया कि कैसे ये काम करना है। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो जो आपके काम की है वो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और सभी साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।